शतरंज की बिसात पर घोड़े की चाल अलग होती है। वजीर हाथी या ऊंट की तरह घोड़ा ज्यादा दूर तक मार नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी दिशा में ढाई घर की चाल से दुश्मनों को चित कर देता है। घिरे होने के बावजूद छलांग लगाकर ढाई घर चल सकता है। सरल शब्दों में समझें तो उसे रोकना कठिन है। बंगाल की सियासत में एक ऐसे ही घोड़े की चाल ने बड़े बड़ों की नींद उड़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन शुरू से रहा है, लेकिन अब से चंद वर्षों पहले तक उसकी पहचान हैदराबाद की एक क्षेत्रीय पार्टी की ही थी। AIMIM ने कुछ वर्षों से पहले कभी हैदराबाद से बाहर निकलने की गंभीर कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी फर्राटे से बोलने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब पार्टी के नाम को अमली जामा पहनाने के लिए उसके ऑल इंडिया विस्तार की महत्वाकांक्षाएं रखने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की सबसे बड़ी राजनीतिक लाइन यह है कि अब तक मुसलमानों के मसीहा बनने वाले दलों और नेताओं ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक माना है और वो उन्हें सच्चा राजनीतिक हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल मिशन को लेकर राजनीति का पारा गर्म है। दिसंबर 2020 में ओवैसी ने बंगाल के प्लान को अभी सामने रखा भी नहीं था, सिर्फ इरादे ही जताए थे कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओवैसी के खिलाफ हमला बोलने मैदान में आ डटी थी। ममता ने बड़ा आरोप लगाया था कि ओवैसी तो बीजेपी से पैसा लेकर बंगाल में सेकुलर वोट बांटने आ रहे हैं। বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের, খুব হিন্দু মুসলিমদের বলবে ওই ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলমান মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে, হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ओवैसी पर ममता का ऐसा राजनीतिक हमला बता रहा है कि ओवैसी की ताकत से वो परिचित है। मुसलमान वोटों को अपने पक्ष में करने की ओवैसी की काबिलियत का सबसे ताजा उदाहरण नवंबर 2020 में आए बिहार के नतीजे। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल की 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीती थी और बिहार चुनाव का एक विश्लेषण ये कहता है कि ओवैसी ने ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का गणित बिगाड़ दिया। इसलिए जब ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिशें हो रही हैं, तो ओवैसी बार बार कह रहे हैं कि मैं अपनी रणनीति के तहत और चुनाव लड़ने के अपने हक के तहत चुनाव लड़ता हूं। वोटर किसी का होस्टेज नहीं है, जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से, मैं लड़ू या ना लड़ू, मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। वैसे बंगाल में ओवैसी ने फुरफुरा के जिस पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी को अपने पाले में लेने की कोशिश की है, उसके मायने समझने की कोशिशें की जा रही हैं। अब्बास सिद्दीकी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन फुरफुरा के पीरज़ादों में राजनीतिक तौर पर ज्यादा ताकत तोहा सिद्दीकी रखते हैं। तोहा सिद्दीकी ने 2009 लोकसभा चुनाव के एन पहले ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन तोहा सिद्दीकी राजनीति से करीबी बनाए रखते हुए भी इस बात को लेकर फिक्रमंद रहे हैं कि उन पर सीधे तौर पर किसी पार्टी का टैग ना चस्पा हो। अब तोहा सिद्दीकी ने सीधे तौर पर ओवैसी के बंगाल के इरादों को लेकर उन पर सवाल उठाया है, लेकिन ओवैसी इससे प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। ज्यादा बड़ी राजनीतिक ताकत होने की ओवैसी की कोशिशें उन्हें लगातार सक्रिय रख रही हैं। नवंबर 2020 में बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, तो 2014 और 2019 के महाराष्ट्र चुनावों में AIMIM ने 2-2 सीटें जीती। महाराष्ट्र के दोनों चुनावों में 13-13 सीटें ऐसी रहीं जहां AIMIM को 10% से ज्यादा वोट मिले। AIMIM यूपी में भी सुखदेव राजभर के साथ मिलकर राजनीतिक ताकत बनने की हसरत रख रहे हैं। आने वाले दिनों में ओवैसी बंगाल में क्या कर सकेंगे, ये तो बाद की बात होगी, लेकिन ओवैसी की बंगाल एंट्री ने
राजनीतिक खलबली तो मचा ही दी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।